इंदौर की रानी पद्मावती की सुंदरता से मोहित दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने उसे पाने की चाह में चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कर लिया। लेकिन हर नाकाम कोशिश के बावजूद उसने रानी पद्मावती को एक बार देखने की बात रखी। बात मानने के बावजूद खून में गद्दारी का जहर भरे खिलजी ने चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया। लेकिन इस संकट की घड़ी में वीर गोरा और बादल ने अपने प्राणों की आहुति देकर चित्तौड़ के स्वाभिमान की लाज रखी और अलाउद्दीन खिलजी के सारे मंसूबों को नाकाम कर दिया। इसी क्रोध में आकर अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ का सर्वनाश करने की ठान ली और एक बार फिर चित्तौड़ दुर्ग पर चढ़ाई की। घेर लिया चित्तौड़ दुर्ग को, बंद किया दाना पानी, संकट में स्वाभिमान गिरा, संकट में थी पद्मारानी। घेर लिया चित्तौड़ दुर्ग को, बंद किया दाना पानी, संकट में स्वाभिमान गिरा था, संकट में पद्मारानी, संकट में थी पद्मारानी, संकट में थी पद्मारानी, संकट में थी पद्मारानी, संकट में थी पद्मारानी। घेर लिया चित्तौड़ दुर्ग को, बंद किया दाना पानी, संकट में स्वाभिमान गिरा, संकट में थी पद्मारानी। अनजान था खिलजी किससे भिड़ा, हम सूर्यवंशी सिर मोड़ है, स्वाभिमान झुकाना जिसका धरनी अमर चित्तौड़ है। स्वाभिमान अमर हमारा, पद्मनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, स्वाभिमान अमर हमारा, पद्मनी बलिदान अमर तुम्हारा। स्वाभिमान अमर हमारा, पद्मनी